Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ इरफान सर और आप देख रहे हैं यूएई ऑफिशियल। यूएई ऑफिशियल में वेलकम करते हैं प्यारे दोस्तों। दुबई की आज की बिगड़ती हुई सूरत हाल आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी वीडियो में। मेहरबानी करके ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको इसके बारे में अंदाज़ा हो जाए कि क्यों डेली बेसिस पे इतनी पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। लेकिन उससे पहले, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अपने दोस्तों से जो हमें देख रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को लाजमी दबा लें ताकि हर वीडियो की जो अपडेट्स होती है वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। क्योंकि हमारी जो वीडियोस की लेंथ होती है सिर्फ और सिर्फ एक मिनट की होती है, हर अपडेट्स हम आप तक पहुंचा देते हैं ताकि आपको हर खबर का पता होना चाहिए। तो आज की डेट में 24 घंटे की बात की जाए तो 3450 केसेस कोरोना के सामने आए हैं। अगर टोटल यूएई की बात की जाए तो 2,50,000 से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आ चुके हैं। अगर रिकवरी की बात की जाए तो 1.5 लाख से ज्यादा रिकवर भी कर लिए गए हैं। वैक्सीन का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। आप लोगों को पता होगा कि यूएई के अंदर चाइना की वैक्सीन, अमेरिका की वैक्सीन और रशिया की वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से डेली बेसिस पे कोई ना कोई नई पाबंदी आयद की जा रही है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप यूएई के अंदर मौजूद हो तो कोरोना का यानी मास्क का, ग्लव्स का, एसओपी का आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है और आप लोग मेल जोल थोड़ा कम रखें।